नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल ड्राइव कार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी गाड़ी में टायर प्रेशर मैक्सिमम कितना होना चाहिए। अगर गाड़ी का टायर प्रेशर आपका कम है तो गाड़ी आपका माइलेज नहीं देगी, और अगर टायर प्रेशर ज़्यादा है तो आपकी गाड़ी आवाज़ कहीं ना कहीं से करती रहेगी। तो दोस्तों, ये एक बहुत कॉमन पॉइंट है कि आपकी गाड़ी का टायर प्रेशर आपको मेंटेन रखना चाहिए, तो वही चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमें कहां से पता चले कि हमारी गाड़ी के टायर में, कौन से टायर में कितना प्रेशर होना चाहिए। तो इसी चीज़ को हम बताने के लिए आपको लेके चलते हैं गाड़ी के पास। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आपको गाड़ी का टायर का प्रेशर पता करना है तो आपकी गाड़ी का जो मैनुअल आपको मिलता है उसमें प्रॉपर लिखा होता है कि आगे के टायर में कितनी हवा होनी चाहिए और पीछे के टायर में कितनी हवा होती है। अगर किसी तरीके से आपकी गाड़ी का मैनुअल आपको नहीं मिलता है उसमें, तो वो दोस्तों गाड़ी का जो ड्राइवर साइड का डोर है, उस डोर को जब हम खोलेंगे तो खोलने के बाद इसमें एक स्टिकर लगा होता है जो कि आपको दिखाता है कि गाड़ी के टायर का प्रेशर कितना होना चाहिए। दोस्तों, ये है स्टिकर। इसमें क्या साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी गाड़ी का जो भी टायर है, इसमें तीन साइज दिए गए हैं, R15, 16, 17। तो इसमें आप अपनी गाड़ी का टायर चेक कीजिए, और गाड़ी को टायर चेक करने के बाद आपकी गाड़ी का प्रेशर, ये जो फ्रंट के जो व्हील हैं उनका प्रेशर दिया गया है, ये एरो मार्क दिया हुआ है। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी में 1 से 3 पैसेंजर हैं तो आगे वाले टायर का जो प्रेशर है वो आपका 30 होना चाहिए, और अगर आपकी गाड़ी में 4 से 5 पैसेंजर हैं तो आगे वाले टायर का प्रेशर 35 होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपकी गाड़ी में 1 से 3 पैसेंजर हैं और पीछे वाले टायर का प्रेशर आपका 30 होना चाहिए, और अगर 4 से 5 पैसेंजर हैं तो आपकी पीछे वाले जो टायर हैं उनका प्रेशर 40 होना चाहिए। तो दोस्तों, ये इस स्टिकर से हमें पता चलता है कि हमारी गाड़ी के टायर में, कौन से टायर में कितना प्रेशर रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूल।